सारा दिन हर बात पे जवाब चुड़ चुड़ के देती है। क्यों देती है भाई चुड़ चुड़ के जवाब, तो भूखे शेर की तरह खाती रहती है हमको। कि मैं डुगू के लिए कुछ अच्छा लिखूंगी जो उसको अच्छा फील कराए, क्योंकि 2 दिन से डुगू का थोड़ा मूड ऑफ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। भाई अभी यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल ही पेंटिंग, सॉरी ड्राइंग कंपटीशन। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सुंदर सानिया की एक ड्राइंग बनाई है, मैंने पोर्ट्रेट बनाया सानिया का। देखो ये थोड़ा मेरा हिडन टैलेंट था जो मैंने आप सबसे छुपाया, तो आज मैं आप सब लोगों के सामने वो दिखाना चाहती हूँ कि मेरा हिडन टैलेंट कैसा था। ये लो ये देखो, बिल्कुल मैच कर रहा है साथ में एकदम, देख रहे हो। और इधर यशु कुछ लिख रही है सानिया के लिए, जो कि यशु मेरे से दोबारा से लड़ चुकी है। भाई आजकल हमारी लड़ाई ज्यादा होती है। और ये पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रही है, अच्छा ये बनाने की कोशिश कर रही है। बाबू उठ जा अभी यार व्लॉग। और यशु कुछ लिख रही है सानिया के लिए, देख मैंने पढ़ा नहीं अभी, उठ जा। तुम मेरे को क्या समझती हो, मैं व्लॉग की लेंथ बढ़ाने वाली लड़की हूँ क्या? हाँ मेन कंटेंट तुम्हारा भाई है व्लॉग का, ठीक है। हाँ 3 बज रहे, 3:30 तुमने व्लॉग क्यों नहीं शूट कर लिया अब तक? बाबू प्लीज उठ जा यार। क्या उठ जा, तुम हर चीज में मेरे से गुस्से से क्यों बात करती हो आजकल? मैंने कहा गुस्से से बात नहीं करती हो, मैंने कहा गुस्से से बात करूँ, तुम प्यार से क्यों नहीं बात करती हो? क्या लगा रखे तो सर, कुछ भी हो तुमको क्या मतलब है? सानिया ये मुझसे प्यार से बात नहीं करती ना? नहीं करती, सच सच बता, नहीं करती। तो पीछे से वकील बनेगी ना उसकी? वकील नहीं बनती वो, सच का साथ देती। वकील ही है वो, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलूंगी मैं तो, बोल के दिखाओ फिर। वकील वकील सोच लेना फिर अपने वकील बारे में, उसे कुछ मत बोलो। वकील वकील ओ ओ बोल एक बार और। वकील ये देख ले मार रही मेरे को, बोल एक बार और। वकील ओ ओ जोन अड्डी पे मार दी, देख ले इसने कितनी तेज मारी है कि वो भी टूट गई, देख ले देख ले। तू कुछ कहती नहीं है ना उसको, अपनी ड्रेस बनाने में लगी हुई है। क्या बोर कर दिए, सजा बता रहे तुम हो बदतमीज। गाइस सीधी सीधी बात सुन लो, अगर ये मुझसे बदतमीजी से बात करेगी तो मैं ऐसी ब्लॉग बनाऊंगी बस। क्या बदतमीजी से बात, प्यार से बात करनी है? क्या बदतमीजी से बात की है पहले बता, बदतमीजी से बात क्या की? तुम रूडली रूडली क्यों बोलती हो मुझसे? कैसे? मैंने बोला बाबू, मैंने बोला बाबू ब्लॉग शूट, तूने बोला था बाबू ब्लॉग शूट, मैंने बोला था। यहाँ बैठ के अभी चीज कॉर्न रोल भर रहे थे आप, यहाँ बैठ के बर्गर खा रहे थे इतना बड़ा बड़ा, और क्या कहते हैं कुछ कुछ बैड लेके बैठे थे, एक और रैप था जब मैंने बोला था ना सानिया व्लॉग शूट कर लो करने के लिए, ये खाई जा रही थी ना दानों की तरह। तो उस टाइम पे तू नहीं खा रही थी ना, तो तू कर लेती, मैं मेरा ठंडा हो जाता बर्गर। अरे तू कुछ कहती क्यों नहीं है इसे, सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम दोनों की लड़ाई में आज करा ली बेइज्जती बाद। तुम मत बोला कर, तू कलेश करती रहती है सब। देखो मैं कलेश करती हूँ और क्या, मैं कलेशन हूँ, बोल दे बिना डरे तू। हाँ है, तू डरती है किसी से? ये क्लेशन ही है। हाँ तो तू डरती है, बोल दे सीधा सीधा। मैं डरती हूँ। कॉफ आ रहा है तेरे को? बस ये मुझे दबाने की कोशिश करती है आंखें निकाल के। हाँ। मैं तुझे दबाने की कोशिश करती हूँ, दब जाएगी क्या तू? तो तू दबती क्यों है मेरे से? मत दबा दे, मैं तुम्हारे लिए लिख दिया है ये, पढ़ लो गाइस। आज के बाद नो मोर रिश्ता विद पायल। सानिया ये जो आलू बुखारा है एक नंबर का कंजर है, और तू भी और तू बहुत अच्छी है। सानिया ये बहुत बड़ी कुत्ती है, बहुत गंदी। डुगू बहुत गंदी और निहायती बदतमीज। ये तो क्यूट लिखा है बाबू तूने बहुत। सानिया तेरी डायरी खराब कर रही है, देख ले सानिया तेरी डायरी खराब कर रही है, ये लिख लिख के फालतू चीज है। सानिया भी मेरी और उसकी डायरी भी मेरी। ये तेरे लिए है नीचे वाली लाइन, एक एक नंबर की हराम जाती। ला दे अब मैं भी कुछ लिखती हूँ। मैं एक ही वर्ड में लिख के तेरे सारी बातों का जवाब दे दूंगी, लिख दू। सानिया अगर इसने कुछ भी गंदा सा लिखा भी मैं ऐसे बहुत मारूंगी। ये ले जान झूठ कर ले प्लीज यार। गाइस को पता है आज क्या प्लान है अपना, मैं क्या गिफ्ट देने वाली आज तो? गू सुन तू हाथ में लिया, मैं ले लूंगी पक्का, अपना ही निकाल के लाई। ऊपर बिल्लियों ने पोटी करे वो ला के दे दू। हाँ सारी सर्व करके दे दे इसे आराम से प्लेट में, खानी है? गाइस सच में बता रही हूँ, मजाक वाली बात नहीं, डुगू बहुत रूड होते जा रही है, बहुत रूड, इतना रूड बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है इसका, जितना ये रूड हो रही है। क्या मतलब है इसके इतना स्टाइल मारने का? पाड़ दिया ना तूने मेरे लाल। ओ
पता चला कैसा लगता है? सर भी मारे देख के तला लोगे यहाँ के देखते कोई नहीं दिख रहा था मैं दिखा देती हूँ। ये देख देख पूरे निशान पड़ गए इसकी उंगलियों के, तो देख ले आके इधर देखना है कि पांच छह उंगलियां छप गई पूरी, को नहीं दिख रहा आंख फाड़ के देख। आज मैंने बहुत अच्छा गिफ्ट प्लान किया था इसके लिए कि ये बहुत खुश होएगी, बहुत ज्यादा खुश होएगी, और मैंने सोचा कि पैसे भी पानी की तरह बहा दूंगी, लेकिन अब मैं पानी भी नहीं बहाऊंगी। बहुत हो गया इसके नो बर्थडे गिफ्ट, आज के बाद नो बर्थडे गिफ्ट कैंसिल। जब तक ये एटीट्यूड में रहेगी तब तक नो बर्थडे गिफ्ट। ये ले पेंसिल ले ले मेरी तरफ से, पकड़ पेंसिल। मैं नहीं पकड़ रही, पकड़ दी ऐसे बोल, ले पेंसिल तेरी मेरी कैंसिल आज के बाद तेरी मेरी कैंसिल ही है। फिर तो गाइस मैं अब थोड़ी देर में घर छोड़ के चली जाऊंगी, ये वाला भी, ये बस यहाँ से खुश रहेगी। वैसे भी लुधियाना पे तो इसका ही कॉपीराइट हक है, मैं चले जाऊंगी अपने हरिद्वार, कोई बात नहीं। क्या करना है वैसे भी दुख देने वाले शहर में रह के, बेहतर है कि बंदा अपने घर में रहे, ज्यादा बेहतर है। कुछ बोलेगी थोड़ी है वो, पता नहीं क्या मुंह किसका मुंह बनाने में लगी हुई है। तुम्हारा गंदा समूह, क्योंकि तुमने गंदा समूह बनाया सान्या का, और जैसे तुम्हारी खुद की सोच है वैसे तुमने इसका मुंह बनाया बेचारी का। इतनी सुंदर लगती है वो, पत्ता मिस कहीं की। गाइस आज के बाद मैं ना अपना नया ब्लॉग चैनल बनाऊंगी, ठीक है, उसका सान्या अपना अलग बनाएगी और हम दोनों अपने अपने वीडियोस वहां पे डालेंगे, ठीक है। तो आप वहां पे एंजॉय करना, इस फालतू आदमी की वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गाइस अभी मैं ना रात के कड़ी चावल जो पड़े हुए हैं ना शाम को खाऊंगी उनको चाय के साथ, ठीक है। और मैंने सच में इसके लिए बहुत अच्छा प्लान सोचा था आज, लेकिन जो ये रूडली बात करती है मैंने उसके वजह से बोला कि नहीं अब मैं करूंगी ही नहीं। भाई मैं क्यों करूँ यार, मैं क्यों सारे एफर्ट्स करूँ, मैं पागल बैठी हूँ, मेरा दिमाग खराब है। तूने लिया था चैलेंज प्यार मोहब्बत के साथ, लिया था प्यार मोहब्बत कहाँ है? तुमको मैंने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए, इतने इमोशनल गिफ्ट्स दिए, बदले में तुमने क्या दिया? रूडनेस। आखिरकार बात वही आ गई ना, जितना मर्जी कर लो। मम्मी से ही कहती है कि बेटा तेरी और मेरी किस्मत में भलाई नहीं है, हम जितना मर्जी कर लें किसी का, अंत में हमने खाने जूते ही हैं। आज मम्मी तुम्हारी वो बात बिल्कुल सच हो गई, अंत में पढ़ने जूते ही हैं, अब वो चाहे हवाई के पड़े रिलैक्सो के पड़े। तो गाइस मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती, मैं बाद में मिलूंगी, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं इसकी रूडनेस नहीं झेल सकती। और मैं सच वाला गुस्सा हूँ, ये आपको पता नहीं मजाक लगे तो वो आप लोगों के ऊपर है, पर मैं मजाक वाला गुस्सा नहीं हूँ, ये सच वाला गुस्सा हूँ इसके ऊपर। सारा दिन हर बात पे जवाब चुड़ चुड़ के देती है, क्यों देती है भाई चुड़ चुड़ के जवाब? तो भूखे शेर की तरह खाती रहती है हमको, क्यों खाना है भाई तेरे को? मता करते को लुधियाना में आके गुस्सा आता तो मता लुधियाना, रह मुंबई में, कौन मना करता है? मैं तो सही बात करूंगी, लुधियाना में आके ये गुस्से में आ जाती है, मेरे को नहीं पसंद ये गुस्से में आए। सीधी सीधी बात है भाई, अपन करते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। हाँ टिफिन बट वाला कलेश नहीं है अपनी जिंदगी में, कल से इसने दिमाग खराब किया हुआ है, कल से ये रूट रूट मेरे से बोल रही है। तू बताइए रूट नहीं हो गई है पहले जैसे? लुधियाने वाली बातें मत कर, क्यों ना करूं मैं? किसी को हर्ट करने वाली बातें मत कर। किसको हर्ट हो रहा है? उसको बाबू को हर्ट हो रहा है, मेरे बाबू को। अच्छा इसे हर्ट हो रहा है, कहाँ जा रही है ये बन्नी लेके? कहाँ जा रही है? सो गाइज अभी हम कुछ करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत टाइम पहले ये सोचा था कि मैं डुगू के लिए एक स्पेशल चीज करूंगी। वैसे तो मैं कुछ चीज़ें कर चुकी हूँ उसमें, जब मैंने डुगू को कार्ड दिया था तो तब मैंने एक बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बहुत सारे अपने दिल की बात लिखी थी, जो आप लोगों ने देखा भी और सुना भी, जो मैंने उस कार्ड में मेंशन किया था। बट आज हम डुगू के लिए कुछ स्पेशल लिखने वाले हैं, कुछ बहुत स्पेशल, जो एक शायरी के रूप में होगा। और यहाँ पे डुगू की डायरी और डुगू का पार्कर का पेन आ चुका है और डुगू भी अंदर बैठे हुए हैं और मैं हूँ यहाँ पे। सो मैंने सोचा कि मैं डुगू के लिए कुछ अच्छा लिखूंगी जो उसको अच्छा फील कराए, क्योंकि दो दिन से डुगू का थोड़ा मूड ऑफ है। तो ऐसे तो मैं उनके लिए एक और गिफ्ट लेकर आई थी, बट मैं चाह रही थी कि मैं उसको बाद में दूँ, अब मतलब आज के बाद, क्योंकि उनका थोड़ा मूड ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है इस मोमेंट के लिए ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि मैं कुछ प्यारा सा इमोशनल सा कुछ लिखूं जो जिस चीज़ से उस इंसान को खुशी हो, क्योंकि जब मैं कुछ लिखती हूँ तो उसको अच्छा लगता है, मुझे पता है। सो मैंने ये डिसाइड किया। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं लिखना, और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ पर लिखूँ जिससे वो खुश हो, बाकी ट्राई करते हैं होपफुली कुछ अच्छा लिखा जाए। चलो सो डायरी ओपन कर लेते हैं पहले नाना की, और जब वो यहाँ आएगी तो वो तो देखेगी कि डायरी है सिर्फ, इसमें क्या गिफ्ट है। ये मैंने लिखा था यहाँ पे सबसे शुरू वाले दिन, इसका नाम लिख के भेजा था जब उसको, वो यहाँ पे बैठी हुई थी तब देखा था। तो ये है इसका फर्स्ट पेज, और यहाँ पे हम कुछ बहुत अच्छा सा लिखने वाले हैं नाना के लिए, बहुत ही अमेजिंग सा। लेट्स गो गाइज। गाइज ये देख लो मेरा पति, ये देख लो। आजकल आपको इसकी शक्ल थोड़ी ऐसे नहीं लगती कि ये डाकू भागा हुआ है? अगर कोई भी ये कालिया डाकू को पकड़ के देगा तो हम आपको देंगे पूरे 2000 का इनाम।
में। तो गाइज आज होने वाली हमारी पार्टी, ये देखो गाने चला। पानी पूरी खाने का मन था भाई तो पानी पूरी ले आए हैं, और घर पे एक भी स्नैक्स नहीं था वो ले आए, प्लस मोमोज आ गए हैं। और हनी को पीनी थी भाई लिमका का मन था, मेरे को पीनी थी कोल्ड ड्रिंक, ये वाली ब्लैक वाली। तो हमने कहा कि भाई कल से डाइट शुरू कर रहे थे, क्यों ना आज कोल्ड ड्रिंक पार्टी हो जाए। कल कभी आता नहीं है, ये लोग डाइट नहीं कर सकते। बस अगर हनी इनके फेफड़े सड़ चुके हैं, देख लो क्या रहा है, फेफड़े सड़ चुके हैं। तो डुगू कभी आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कल आता नहीं है, आता है कल, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आता है। कल से डाइटिंग होगी तुम्हारे भाई की प्रॉपर। ये देखो तुम्हारा भाई पतला लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये देख लो। तो मैं बाबू ऐसा कुछ खा भी तो नहीं रही ना यार, तुम लोग करो ना करो, मेरा तो बटन वजन कम हो रहा है, बटन कम हो रहा है वजन डेली। हाँ तो एक ही तो डाइट हो रही है दिन की, अच्छे से खाली नाश्ता ही तो हो रहा है, और वहाँ पे तो सो रही है वो लड़की जरा, क्योंकि मुझे मत ले मुझे मत ले। गाइस पता नहीं आज उसको बहुत ही गुस्से में, उसकी आंखों में से पानी क्यों आ रहा है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही मेरे को आज, पता ही नहीं। चलो उसको सोने दो थोड़ी देर, क्यों सो रही है, रोने रही सो रही, आंसू बहा के कौन सोता है। क्या हो गया तेरी बहन को ये, आई डोंट नो, यू डोंट नो। बाबू चला जल्दी से, तू पता है मैं किसको, मैं को नहीं पता है इसे क्या हो, तेरे को पता होना चाहिए आइसक्रीम क्या हुआ है उसको, इसको तो फीवर सा हो रहा है, सच्ची बताओ। आज ये ढीली लग रही है शाम से तो बहुत ज्यादा, बदतमीजी मत करो नाना। सो गाइस आज हम डुगू को भाई बहुत ही, आज आपने गिफ्ट ही नहीं मांगा अपना, क्या बात है, मांग तो रही हूँ शाम से, सारा दिन मांगती रहती है, है? कोई काम है सुबह से जिन आराम करती है हमारा, कहती गिफ्ट दो गिफ्ट दो गिफ्ट दो, मांगती रख दो उसका नाम गिफ्ट दो, कहती है तुमने वादा किया निभाना पड़ेगा मांगना। तुम ये मेरे ताने के बारे में क्या काला जादू करती हो, पहले दिन कहा था मैं 30 दिन में इसे पूरे गिफ्ट दूंगी, हाय हाय ये भी मेरा सगा नहीं है। तो भाई इसी परंपरा को पूरा करते हुए, ये जो परंपरा शुरू की थी 30 गिफ्ट वाली, आज मैं डुगू को बहुत ही स्पेशल सा गिफ्ट देने वाली हूँ, एंड यू नो गाइज ऑलरेडी कि वो क्या है, तो बस डुगू को दिखाना बाकी है। गाइज को ऑलरेडी पता है, पता है, दिखाया नहीं, बस थोड़ी थोड़ी हिंट दे दी मैंने गाइज को। सो अब हम नाना को दिखाने चलते हैं गाइज, चले आप उस वाले कमरे में, इतना हनी यहाँ पे जरा ये सजवाएगा। आलू का मसाला बढ़िया बनाया था उससे, नींबू भी डाल के, वैसे तो नींबू यहाँ पे भी है, देखना उसको बुखार हो रहा है क्या सच में, दवाई दूसरे दिन ही पड़ेगी इसे। सो जल्दी से चले आप, आपका तोहफा आपका इंतजार कर रहा है, पंखा बंद कर रहे हैं। यस इस तरफ चलो, आपको आपका तोहफा कैसे पता चला, इसमें इसमें कैसे तोहफा होगा, यही लिखा है तो इसी, ये तो पहले से दे चुकी हूँ मैं आपको। अरे बट यहाँ पे ये लिखा है तो इसमें यही होगा ना, यहाँ पे ऐसा ऐसे क्यों सोच रही हो तुम, ये तो पहले की ही है। क्या हुआ, क्या मिल गया, क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा तुमने पहले शायरी लिखी है। पैर नीचे करो, पहले गंदे आ रहे हैं। हाँ पहले पैर नीचे करो, यहाँ रख लो। तो गाइस को तूने दिखा दी? नहीं, सिर्फ गाइस को बताया है कि मैं कुछ लिखने जा रही हूँ डुगू के लिए, लेकिन आज का गिफ्ट यही है बस। वैसे तो गिफ्ट आपको कुछ और देना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप 2 दिन से आपका मूड थोड़ा ठीक नहीं है, तो क्यों ना मैं आपको कुछ अच्छा सा लिख दूं, बट मुझे लग रहा है शायद आपको लिखा हुआ नहीं चाहिए, आपको कुछ गिफ्ट ही चाहिए। चलो कोई नहीं, रख दो इसे। नहीं ये भी अच्छा है बाबू, मैंने तो मना किया कि अच्छा नहीं है, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि यही गिफ्ट है क्या आज का मेरा, मुझे लगा कि ये स्पेशल होगा। गिफ्ट तो बहुत स्पेशल है जान, पैसों से खरीदा हुआ तो गिफ्ट और भी है, बट ये मैंने थोड़ा दिल से लिखा है, ये तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। दोनों पढ़ेंगे, मैं पढ़ के सुनाऊंगी ना। चल ऊपर लिखा है, यशु ने पहले दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है चलो पढ़ते हैं। मुझे कुछ इस तरह अपनाया है तूने, मेरा देखा हुआ हर सपना सच कराया है तूने, लोग जिस मोड़ पर आके सब कुछ छोड़ जाते हैं, उस मोड़ पर भी मेरा साथ निभाया है तूने, प्यार की दुहाई देते हैं लोग, प्यार के नाम पर ना जाने क्या क्या कर जाते हैं लोग, इसी प्यार के नाम पर अक्सर छोड़ जाते हैं लोग, इन सबसे परे हर पल प्यार जताया है तूने, मेरी हंसी खुशी मेरे गम को अपना माना है तूने,
मेरी हर मुश्किल सफर को आसान बनाया है तूने। प्यार को प्यार तो सभी कर जाते हैं, पर प्यार क्या है इसका असली मतलब समझाया है तूने। बाबू तो इतना अच्छा कैसे लिख लेती है यार। इतना अच्छा इंसान तभी लिख सकता है जब वो यू नो अंदर से अच्छा हो, समझ रहे हो? तभी वो इतना अच्छा लिख सकता है जब उसका मन सच्चा हो। टुडे आई फील कि मैंने अच्छा नहीं लिखा, इतना प्यारा लिखा है जान। थैंक यू सो मच। लास्ट लाइन पढ़ना एक बार फिर से। क्यों ऐसे ही पढ़ो? प्यार तो सभी कर जाते हैं, पर प्यार क्या है इसका असली मतलब समझाया है तूने। ये यहाँ से पढ़ो ना, मेरे हर मुश्किल सफर को आसान बनाया है तूने। प्यार तो सभी कर जाते हैं, पर प्यार क्या है इसका असली मतलब समझाया है तूने। मैंने इसमें दो लाइनें और ऐड की थी फिर, पर मैंने लिखी नहीं। क्यों, कहाँ वो दो लाइनें? लिखी नहीं कहीं, बस दिल में है मेरे। सुना दे फिर, आज हो जाए जरा। तो लास्ट लाइन इसकी ये है कि प्यार तो सभी करते हैं, पर प्यार का असली मतलब समझाया है तुमने। मैं गुस्सा में मान रही हूँ। सुना दे प्लीज, कोई बात नहीं। तो अर्ज किया है कि प्यार तो सभी करते हैं, आंखें बंद करो पहले। तो अर्ज किया गाइस कि प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन प्यार का असली मतलब समझाया है तूने। मेरे गले का मंगलसूत्र और माथे का सिंदूर सजाया है तूने। सात फेरों में भी सात जन्मों जैसा रिश्ता निभाया है तूने। तो लिखा क्यों नहीं? जाने मानी थी पागल जी। I love you। अच्छा लिखूं कि नहीं लिखूं? अच्छा इसलिए सोचा कि लिखूं कि नहीं लिखूं। बहुत सुंदर लिखा है जान, बहुत ज़्यादा सुंदर लिखा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस तू ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ लिख दिया कर मेरे लिए, मैं खुश हूँ। मेरे को गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए। सही में बोल, वैसे भी ये कुछ ज़्यादा ही कीमती हो गया। बहुत ज़्यादा एक्चुअली। बाल कब कटेंगे ये आपके? बर्थडे पे। मुझे मेरा सुंदर पति कब दिखेगा? बर्थडे पे। सुहागन जोड़ा बन जाऊंगी मैं? बर्थडे पे। नेहा शर्मा वैसे ही पसंद है ना आपको? तो गाइज आज ये डुगू के लिए छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट था जो मैंने दिल से बहुत दिल से लिखा है। मैं यहाँ पे बैठ के बहुत देर से लिख रही थी एंड मैंने बहुत सारी लाइंस पीछे अलग से लिखी हुई हैं जिन पे मैं नीचे और ऐड करना चाहती थी, बट पता नहीं कभी कभी होता है ना कि आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट से रहते हो क्योंकि ये दो दिन से थोड़े से अपसेट हैं, तो मेरा थोड़ा माइंड ऐसा चल रहा था। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि डुगू को मैं गिफ्ट कोई और देना चाहती थी जो कि ऑलरेडी है, बट फिर मेरे दिमाग में ये आया कि कुछ थोड़ा सा यू नो हार्ट टचिंग सा करते हैं जिसको अच्छा लगे, और आपको पता ही है कि आप मेरा लिखना आपको भी बहुत पसंद आता है और इनको भी बहुत पसंद आता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर कुछ लिखा ही जाए। तो मैंने मेरे दिल में जो आया मैंने लिख दिया। वैसे तो मैंने बोला ना कि मैं इस इंसान पे जिंदगी भर लिख सकती हूँ कुछ भी, इतना कुछ है मेरे दिल में मन में कि मैं लिख दूँ, और मुझे पसंद भी है आपको पता ही है, सो दैट्स व्हाई। और बस अभी तो देखो यही चल रहा है, बाकी मैं आपको बता दूं कि हमको मार्केट भी जाना था, मार्केट विजिट करना था हमें कुछ काम के लिए जो कि हम नहीं जा पाए, और उसका रीज़न कुछ ऐसा खास नहीं है, पता नहीं गर्मी की वजह से निकल नहीं रहा हम क्योंकि लुधियाना में बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। और फिर दूसरा वो जो बेबी है ऊपर उसको भी बार 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 देखना पड़ता है क्योंकि अभी उसको पैरों में प्रॉब्लम है ना, तो उसको एक्सरसाइज कराना, उसकी मालिश वालिश करना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा फील कर रहे हैं अभी, और कोई रीज़न नहीं है। और होपफुली एक दो दिन में हम लोग या फिर कल ही शायद बाहर जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला व्लॉग तो आपको पसंद आएगा ही, इस पर तो आप भर भर के प्यार दोगे ही, अगर नहीं दिया है तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कल का वीडियो आने वाला है यानी कि इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है और डुगू के लिए जो गिफ्ट होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, और वो होगा पब्लिक प्लेस में, ठीक है। मैंने पूरा प्लान कर लिया है कि क्या वो बर्थडे गिफ्ट होने वाला है, क्या वो चीजें होने वाली हैं। सो कल के लिए आप लोग रेडी रहना और इस वाली वीडियो को प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस अब हमारे आराम वाले दिन जा चुके हैं, अब लाएंगे भाई तबाही, अब होएगा एक नंबर कॉन्टेंट, ठीक है। सो
बहुत सारा प्यार दो गाइस वीडियो को और 400 के करा दो यार, कब से बोल रही हूँ, व्यूज डाउन किए हुए हैं, कोई बात नहीं वो तो होता रहता है, लेकिन 400 के कराओ गाइस। कल की वीडियो पे मुझे आपके बहुत सारे लाइक्स चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, बहुत सारा सब्सक्राइब चाहिए, कमेंट्स का टारगेट आपका गाइस कल आप का, भी मेरे लिए कोई शायरी लिख दो ना। कल वाले वीडियो के इस वाले ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में आप लोग शायरियां लिखोगे भर भर के, जिसको जो आती है, और हाँ जिसकी शायरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगी मैं पिन भी करूंगी, प्लस 7 शायरियां जिसकी मुझे सबसे बढ़िया लगेगी, कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए गाइज, अपने आप लिखना, वो मैं स्पेशली कल की वीडियो में नाम के साथ मेंशन करूंगी। एक ही लाइन लिखो लेकिन अपनी तरफ, हाँ, अपनी तरफ से लिखो जो भी मुझे पसंद आएगी, 7 जो भी मुझे, मैं रैंडमली उठा दूंगी, रैंडमली उठाऊंगी मैं वो 7 शायरियां, मैं अपनी वीडियो में मेंशन करूंगी विद नेम। तो प्लीज कल मुझे 3000 प्लस कमेंट चाहिए और आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए। 3000 मैंने कमी मांगा है, ज्यादा कुछ नहीं मांगा, मुझे पता है कि आप लोग पूरा कर दोगे। सो बस धमाकेदार चाहिए, देखो वीडियो परसों वाली तो भाई ये तो होना ही पड़ेगा। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि डुगू के जो बर्थडे में जो मेन जो 2 डेज आने वाले हैं, मतलब वैसे तो सारे स्पेशल होने वाले हैं आगे वाले गिफ्ट, लेकिन जो 2 से 3 गिफ्ट आने वाले हैं वो बहुत ही धांसू आने वाले हैं। सो बी रेडी गाइज। चलो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा और डुगू को भी पसंद आया होगा, मैंने जो छोटा सा लिखा कुछ ऐसा ही। सो क्या कहना चाहते हैं प्लीज को, कहना चाहती हूँ मेरी बेटी, थैंक यू सो मच, ज्यादा ज्यादा पारू किया कर मुझे, तभी मैं ज्यादा अच्छा लिखा। अभी और कितना पारू करूँ बाबू, इतना करो उतना कम है, ज्यादा ही किया है आज, जितना करो प्यार उतना कम होता है, आज कुछ ज्यादा नहीं किया। सो गाइस चलो आज का प्लान करते हैं, मम मेरा हाथ दे दो, मैं तो कहाँ जा रही है, क्या हुआ, तू ये तो बोल रही थी ज्यादा ज्यादा बार उसकी, मैं तो नहीं ज्यादा बार होनी चाहिए गाइस, चलो नहीं ज्यादा बार हूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हम मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में, कल का मुझे नहीं पता भाई क्या धांसू करने वाली पब्लिक प्लेस में और करवाने वाली, मेरा भतीजा ना करवा दे पब्लिक प्लेस में, भतीजा नहीं होता फजीता होता है, इस आने के साथ रहने के साथ भतीजा, आपने सुना है कि भतीजा वर्ड ही है, ऐसा लग रहा है भतीजा क्या भतीजा, फजीता मुझे भी बुलवा दोगे आप, फजीता होता है फजीता। चलो गाइस को बोल मत करो, चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, प्लीज बहुत सारा प्यार दो भाई प्लीज।